सेवन का क्वेश्चन नंबर वन है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद, हमें वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन, जैसा आइसक्रीम कोन होता है उसी तरह का कोन जो है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि उसके अंदर कितनी जगह है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट और ये है सेकंड। इस पेज पर हम फर्स्ट को करेंगे, सेकंड पेज पर करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, राइट दी है 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले वॉल्यूम का, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 πr²h। ठीक है, जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के फॉर्मूले में अगर हम 1/3 कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाएगा। ठीक है, सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, और आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है, आर यानी कि रेडियस, रेडियस है 6, सो यहां पर है आर का स्क्वेयर, सो 6 को मैं लिखूंगा आर की जगह, और मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर, सो मैं लिख सकता हूं 6 × 6। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू है वो आपस में ही मल्टीप्लाई है खुद से। ठीक है, उसके बाद है h, h है हाइट, हाइट है 7, सो मल्टीप्लाई में 7। यहां पर कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो रही है, जैसे 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 × 1 = 3, यहां पर 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = 6। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, ऊपर यहां पर 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22, और उधर क्या बचता है आगे, 2 × 6, तो ये हो जाएगा 12, 22 और 12, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा हमारा, ये सभी दी है सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम किस में आएगा फिर, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, सो 22 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 = 24, 24 का 4 आ जाएगा, कैरी लगाएंगे यहां पर 2, फिर से 12 × 2 = 24, और कैरी 2 कितना है, कैरी 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, सो आंसर आ जाएगा हमारा 264 cm³, यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये, सेकंड पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है सेकंड, सेकंड में हमें दिया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही वैल्यू पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले में, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 πr²h, सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये है 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर हम फिर से रखेंगे 22/7, और आर स्क्वेयर, आर यहां पर है 3.5, सो आर स्क्वेयर की जगह हम क्या करेंगे, 3.5 × 3.5। ठीक है, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होना आपस में ही। ठीक है, और h की जगह पर आ जाएगा 12, सो मल्टीप्लाई में 12, और ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, यूनिट है यहां पर सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सो देख लो यहां पर जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती है उनसे कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, उसके बाद 7 से 3.5 को कैंसिल करेंगे, 7 × 5 = होता है 35। ठीक है, लेकिन यहां पर पॉइंट भी लगा है तो यहां पर आ जाएगा 0.5, 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.5। ठीक है, सो यहां पर हमने इसे कैंसिल कर दिया है। अब देखो बिल्कुल इजी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अगर हम 4 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = होता है 20, पीछे से 0 को 0 के आगे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा कितना 2, तो यहां पर क्या होगा 22 बचेगा, और 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0, और मल्टीप्लाई में 3.5 एज इट इज। ठीक है, ये सभी आएंगे हमारे फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई करते हैं आगे, सो 2.0 या फिर हम इसे 2 भी कह सकते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद, सो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 3.5 यानी कि 35 × 2 = क्या होगा 70, 70 इस तरह से होगा, और यहां पर पॉइंट कहां पर है, एक नंबर के आगे पॉइंट है, सो यहां भी एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 7.0, या फिर कहें डायरेक्ट आ जाएगा 7, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 22 एज इट इज, और 2 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 cm³, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14 का 4, कैरी 1, फिर से 7 × 2 = 14 और 1 = 15, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 154 cm³। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैलकुलेशन जहां आपको इजी लगे, जैसे यहां पर 4 × 5 = हो गया हमारा 20, अगर हम 4 से 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है ये लंबी कैलकुलेशन होती है हमारी। ठीक है, सो इजी कैलकुलेशन करो। इनकी एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, इसमें हमें दिया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल,
हमें कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम बताना है लीटर्स में, ठीक है। हमारा आंसर पीछे वाले क्वेश्चन में आया था सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन अब की बार हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाल के उसे लीटर में चेंज करके आंसर बताना है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा जो हमारा लीटर में आएगा, ठीक है। उसी तरह का हमें यहाँ पर कोण दिया गया है। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट है, फर्स्ट है यहाँ पर, सेकेंड को करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है जो भी हमें ये कोण दिया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। सो फर्स्ट में है हमें रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर हमें हाइट नहीं दी गई है, ये है स्लैंट हाइट, ठीक है। और स्लैंट हाइट ये कौन है, स्लैंट हाइट होती है ये तिरछी ऊंचाई जो होती है, ठीक है। ये है 25 सेंटीमीटर और रेडियस है 7। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच निकालेंगे जो कि हमें फॉर्मूले में जरूरत है, ये वाली हाइट निकालेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल की तरह बन गया। और राइट ट्राइंगल पर हमें अगर हमें हाइट निकालनी है तो इस पर हम पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल सा फॉर्मूला है हाइट निकालने का, बुक में कई जगह पर दिया गया है एनसीईआरटी में। एच इक्वल्स टू में रूट के अंदर रखेंगे अंडर रूट एल स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर। और एल क्या होता है, एल होता है ये स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट जो 25 दी गई है इसे हम कहेंगे एल। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एच एज इट इज एल स्क्वेयर, L का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, L की जगह पर पुट करेंगे हम जो स्लांट हाइट की वैल्यू है 25, सो 25 का स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, R की वैल्यू है 7, सो 7 का स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे इसे। सो H इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस में 7 का स्क्वायर होता है 49। सो H जो हमारा H है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ये हो जाएगा 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576। और 576 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का स्क्वायर। सो एच इक्वल्स टू हम लिखेंगे 576 को हम लिख सकते हैं 24 × 24। रूट के अंदर अगर पेयर बन गया तो इसमें से आ जाएगी एक वैल्यू बार, यानी कि हाइट आ जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, उसके बाद उसे कर देंगे लीटर्स में चेंज। लीटर्स में चेंज किस तरह से किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, बताऊंगा मैं लास्ट में। सो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो ये है 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर हम रखेंगे 22/7 और आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 7, सो मैं इसको लिख सकता हूं 7 × 7। और H की वैल्यू, H की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है 24 एज इट इज आ जाएगी। सो ये आ गया 24, जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, ठीक है। ऊपर जो जो भी बचा है, नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं, ऊपर जो जो भी बचा है उसको करेंगे मल्टीप्लाई। सो ऊपर बचा है हमारा 22 × 7 और 8, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 154, ठीक है। और उसके बाद 8 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 4 = 32 का आ जाएगा यहां पर 2, कैरी आ जाएगा 3, 8 × 5 = 40, 40 और प्लस 3 करेंगे तो 43 और कैरी आ जाएगा यहां पर 4, 8 × 1 = 8 और 4 हो जाएगा 12। और ये फाइनली हमारा जो कैलकुलेशन आएगी हमारी इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब में। अब आंसर आया है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, हमें निकालना है लीटर्स में। कैपेसिटी एक तरह से वॉल्यूम ही होता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कितनी जगह है। सो लीटर्स में निकालना है, लीटर्स में निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे अगर सेंटीमीटर क्यूब में है, ध्यान रखना है, अगर हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है उसको हम लीटर्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑन लीटर्स क्या हो जाएगा, 1232, जो भी ये दिया गया है हमें, जो भी हमारा आया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है, 1000 से डिवाइड करना। अब यहां पर हमें क्या करना है, काटना नहीं है, सिंपल, नीचे कितनी जीरोज हैं, 1, 2, 3 जीरोज हैं, पीछे से गिनेंगे यहां पर 1, 2 और 3, पॉइंट लगा देंगे यहां पर, ठीक है, पीछे छोड़ देंगे 3 डिजिट्स को। सो आंसर आ जाएगा हमारा 1.232 लीटर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर लीटर्स में।
अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर। सो यहां पर हमें रेडियस नहीं दिया गया है। फॉर्मूले में हमें चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस, रेडियस नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियस। ठीक है, इस फिगर से समझ लेते हैं एक बार। हाइट दी गई है हमें 12 और स्लांट हाइट यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई जो है ये है 13। हम निकालेंगे रेडियस। सो पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके निकाल सकते हैं रेडियस, या फिर सिंपल सा फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वेयर माइनस में एच का स्क्वेयर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, आर एज इट इज आ जाएगा, एल स्क्वेयर, एल कितना है 13, 13 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वेयर और माइनस में एच स्क्वेयर यानी कि 12 का स्क्वेयर। सो आर इक्वल्स टू में 13 का स्क्वेयर कितना होता है 169, ठीक है, माइनस में 12 का स्क्वेयर होता है 144, और R इक्वल्स टू में 169 में से 44 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई में 5, अंदर पेयर बन गया तो इनमें से एक बार आ जाएगा और रेडियस आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा रेडियस। अब जो भी रेडियस आया है और जो हमें हाइट दी गई है क्वेश्चन में, इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में और वॉल्यूम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, उसके बाद लीटर्स में चेंज कर देंगे उसे 1000 से ही डिवाइड करके। सो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 1/3, पुट करते हैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू 1/3 पाई, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वेयर। आर कितना है हमारा, आर आया है हमने निकाला है 5, सो इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में एच, एच कितना दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। यहां पर 3 1 3 और 3 4 12, ये तो होता है कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा यहां पर 22 मल्टीप्लाई में 5 5 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और मल्टीप्लाई में 4, जो भी आएगा ये किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और नीचे यहां पर बचता है 7। ठीक है, सो यहां पर देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 25 4 कितना होगा 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो ये हो जाएगा 2200। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आपको 25 को 22 से डायरेक्ट मत करो, 25 को 4 से कर लो, 100 हो जाएगा, और 100 को किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी होता है, यानी कि उसके दो जीरोज होते हैं, बस हम 22 के पीछे वो लगा देंगे तो ये सारी मल्टीप्लीकेशन हो गई पूरी, और अपॉन में 7 एज इट इज, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। कैंसिल नहीं करते हैं इसे, क्योंकि कैंसिल करने पर किस में जाएगा, ये पॉइंट्स में जाएगा। अभी हमें इसे क्या करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, अभी हमें इसे लीटर्स में चेंज करना है, यानी कि 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो हम लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स, या फिर आप लिख सकते हैं कैपेसिटी। ठीक है, एक ही बात है, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम इन लीटर्स यानी कि 2200 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 1000। यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर वैल्यू है, ठीक है, उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू में 1000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा मल्टीप्लाई, या ऊपर दो जीरोस हैं, दो जीरोस से नीचे वाली दो जीरोस कैंसिल, बचेगा क्या यहां पर 22 अपॉन में 7 टेंजा हो गया 70, तो कैंसिल करते हैं इसे, 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 से यहां पर कैंसिल करेंगे 22 को, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और फिर से 2 1 2 और अपॉन में 70, 2 3 6 यहां पर बचेगा 1 और ये जीरो लगाएंगे इसके पीछे तो ये हो जाएगा 10 और 2 5 हो जाएगा 10, यानी कि आंसर आएगा हमारा 11/35 लीटर्स। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा लीटर्स में। ठीक है, सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ रहा है तो उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर्स में चेंज हो जाएगा। हमारे सामने इसमें हमें दिया है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें एक कोन दिया गया है जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम है 1570, हमें बताना है इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, जो भी कोन है उसके बेस का रेडियस, ये जो सर्कुलर बेस है इसका रेडियस आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है यूज पाई इक्वल्स टू में 3.14, पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 3.14। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया है 1570। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह पर मैं रख सकता हूं 1570 इक्वल्स टू में 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखनी है
जो भी ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जिस जिसकी भी वैल्यू हमें पता है। सो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, सो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू नहीं पता है सो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई में एच, एच की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, सो 15 एज इट इज। अब जो भी यहां से कैंसिल होता है इस साइड में कैंसिल करेंगे 3 से, 3 1 3 और 3 5 15, यहां पर क्या बचा एक बार लिख लेते हैं इसे, ये है 1570 एज इट इज इक्वल्स टू में 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 5। यहां पर आर की वैल्यू निकालनी है हमें, अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो 5 और 3.14 जो ये दोनों है, ये दोनों है 3.14 और 5 है, इसको हम क्या करेंगे इस साइड में शिफ्ट करेंगे। सो आर की वैल्यू ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है और आर के साथ भी क्या है मल्टीप्लाई में, सो इधर आगे हो जाएंगे ये डिवाइड में, सो इस तरफ आएगा 1570 एज इट इज अपॉन में जो भी ये यहां पर मल्टीप्लाई में है आर के साथ, इधर आके हो जाएंगे डिवाइड में, यानी कि आएगा 3.14 नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 और इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर। हमने सिंपल क्या किया है, आर स्क्वायर के अलावा जो भी कुछ है यहां पर उसको इस तरफ में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। सो कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे इसे, सो 5 1 5 और 5 3 15, 5 1 15 हो गया 7 है, फिर 5 से 7 को कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 बचेगा 2 और 2 के पीछे ये वाली 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 5 4 होता है 20, ठीक है। ऊपर आ गया 314 और नीचे है 3.14। अब 3.14 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 314, ठीक है। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 314 और ये भी हो जाएगा 314, यानी कि मैं कह सकता हूं 3.14 100 से मल्टीप्लाई करने पर, 100 जा 3.14 के टेबल में 314 कब आएगा 100 पे, ठीक है, सो इस साइड में आएगा 100, यानी कि जो हमारा आर स्क्वायर है इस तरफ जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आई है यहां पर सब कुछ कैंसिल हो गया है, बचा है यहां पर 100, सो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आई है आर स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस आर की वैल्यू निकालनी है हमें, सो हम क्या करेंगे इस तरफ रूट लगा देंगे और इस तरफ पे भी रूट लगा देंगे, रूट के बाहर क्या निकल के आएगा, इस तरफ तो निकल के आएगा आर और इस तरफ 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 10, यानी कि रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 10 और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि सभी यूनिट जो वॉल्यूम है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमें एक कोन दिया गया है इस तरह का, इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और वॉल्यूम है 48 पाई, ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। हमें बताना है इसका डायमीटर क्या होगा, जो भी ये बेस है सर्कुलर बेस होता है जो नीचे की तरफ, इसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। सो सबसे पहले वॉल्यूम दिया गया है, सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या दिया गया है, यहां पर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह पर क्या रख सकता हूं, जो भी हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है ये है 48 पाई, सो ये आ गया 48 पाई इक्वल्स टू में 1/3। यहां पर हम इस तरफ रखेंगे सभी वैल्यूज पाई को छोड़ के क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां पर भी पाई की वैल्यू नहीं रखी गई है, तो हम अपने फॉर्मूले में भी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की जगह पर पाई का सिंबल ही रखेंगे, ठीक है। सो पाई आ गया यहां पर एज इट इज, आर हमें पता नहीं है सो आर स्क्वायर भी एज इट इज, और मल्टीप्लाई में एच, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट है 9 सेंटीमीटर, सो मल्टीप्लाई में 9। यहां पर देखो कैंसिल हो रहा है, 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं 9 को 3 पर, ठीक है। अब आर स्क्वायर के अलावा हमें क्या निकालना है, आर, ठीक है, निकालेंगे हम आर, आर से ही हम डायमीटर निकाल सकते हैं। सो आर स्क्वायर के अलावा जो भी कुछ इस साइड में है उन सबको कर देंगे इस साइड में शिफ्ट, एक बार अगली लाइन में इसे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, साफ साफ। सो ये हो जाएगा 48 पाई एज इट इज इक्वल्स टू, इस साइड कैंसिल करने के बाद क्या क्या बचा, ये बचा है पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर और 3, सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, आर स्क्वायर के अलावा पाई मल्टीप्लाई में 3 जो है इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 48 पाई अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में 3 और इक्वल्स टू में सामने रहेगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो पाई है और 3 है ये आ गया यहां पर डिवाइड में, आर स्क्वायर के साथ दोनों मल्टीप्लाई में है सो इस तरफ आके डिवाइड में, यहां पर पाई से पाई कैंसिल और 3 से 48 को कैंसिल करेंगे, सो 3 1 3 और यहां पर बचेगा 1 और 8 18 हो गया और 3 6 18।
आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 16। हमें निकालनी है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालने के बाद ही हम डायमीटर निकाल पाएंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे, इस तरफ भी रूट लगा दो और इस तरफ भी रूट लगा दो, इस तरफ रूट से बाहर आ जाएगा आर और दूसरी तरफ 16 जो है वो किसका स्क्वेयर होता है 4 का, यानी कि अंदर क्या बनेगा पेयर 4 मल्टीप्लाई में 4, 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है, डी इक्वल्स टू डायमीटर क्या होता है 2R, डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2R, यानी कि रेडियस का दुगना। सो डी इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में R, R की वैल्यू क्या निकाली है हमने 4, सो 2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि डायमीटर आ गया 5 है हमारे सामने, इसमें हमें दिया है अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। एक कॉनिकल पिट यानी कि एक कोन टाइप का गड्ढा है जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है और जिसकी गहराई है 12 मीटर, हमें बताना है उसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में बताना है हमें किलोलीटर्स में, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे, यहां पर यूनिट मीटर है तो मीटर क्यूब में हमारी वॉल्यूम निकलेगी, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देंगे किलोलीटर्स में, ठीक है। सो डायमीटर दिया गया हमें 3.5 मीटर, तो हमें रेडियस निकालना होगा फॉर्मूले के लिए, ठीक है। सो रेडियस क्या होता है, आर इक्वल्स टू डी बाई टू, यानी कि डायमीटर अपॉन में 2। सो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर की वैल्यू है 3.5, सो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2। यहां पर इसे कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, एज इट इज फॉर्मूले में हम इसको ऐसा कैसा ही रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है डीप यानी कि गहरा है 12 मीटर, तो देखो यहां पर देखो आप इसको डायग्राम में फिगर में, ये है 12 मीटर डीप, गहरा है ये गड्ढा, तो हम इसे हाइट रख सकते हैं 12 मीटर, ठीक है। सो हाइट की जगह पर हम क्या रखेंगे 12 मीटर। अब निकालते हैं जो भी हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं सभी, तो ये हो जाएगा 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 3.5 अपॉन में 2 और r का स्क्वायर है, तो इसी को दो बार लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा के। सो 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 3.5 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में क्या है यहां पर r स्क्वायर हो गया हमारा यहां पर कंप्लीट। अब है h, h की वैल्यू है 12, सो मल्टीप्लाई में 12। यहां पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी यहां पर कैंसिल होती हैं। सो 3 1 3 और 3 4 12, यहां पर नीचे फिर से देखो, उसे भी हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं जो ये आया है, 2 1 2 2 2 4, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 1 2, 12 जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो गया है, ठीक है, 12 की जगह पर आ गया है 1, किस किस से कैंसिल किया हमने इसे 3 2 और 2 से, ठीक है, नीचे वाले से। अब जो भी बची हुई वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, ऊपर तो बचती हैं ये वैल्यूज, नीचे बचता है यहां पर 7, सो अपॉन में 7। ये जो भी हमारी वॉल्यूम आएगी किसमें आएगी, ये यूनिट है मीटर में, तो वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब में, ठीक है। यहां पर देखो 7 से हम 3.5 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 7 के टेबल में 5 पर आता है 35, तो 7 1 7 और 7 के टेबल में 5 पर आता है 35, लेकिन ये क्या है 3.5, सो हम 5 के इधर यहां पर लगा देंगे पॉइंट। सो हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी 22 मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई भी साथ करते हैं, 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75, ठीक है, जो भी आएगा मीटर क्यूब में। अब 22 और 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं किलोलीटर्स में क्योंकि हमें कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है किलोलीटर्स में। सो यहां पर मैंने लिखा है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलोलीटर के इक्वल होता है, ठीक है, तो 38.5 मीटर क्यूब क्या होगा 38.5 किलोलीटर के ही इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं 38.5 KL, इट मीन्स किलोलीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर किलोलीटर में। आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर, जो मीटर क्यूब में जो कैपेसिटी होगी वही किलोलीटर में भी होगी, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होते हैं ये।